फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल इनकोपीडिया। आज मैं आपको यूट्यूब के बारे में एक सच बात बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि किसी और का वीडियो डाल दो जिसमें कॉपीराइट नहीं होता है, या फिर ऐसे कोई किसी और का वीडियो जो कवर सॉन्ग्स होता है वैसे डाल दो जिससे आपको वाच आवर वगैरह पूरा हो जाएगा, जिससे आपको चैनल मोनेटाइज होता है, वो सब कुछ बोलते हैं। आज मैं इसका एक लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि इससे कुछ होता है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है 953 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुका है, और कुछ दिन पहले मैंने ये चीज़ टेस्ट करने के लिए कुछ और चैनल का वीडियो मैंने डाला था। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैंने मेरा जो 3000 घंटे का जो ये था ये पूरा हो गया था, और 500 सब्सक्राइबर भी था, तो इसलिए मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ पे आ गया कि अनफॉर्चुनेटली योर चैनल वॉज नॉट अप्रूव्ड फॉर मोनेटाइजेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम आता है। ये लोग जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, ये लोग बोलते रहते कि आप ऐसे करो वैसे करो हो जाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। तो मैंने जैसे ही इसको डाला था, उसके बाद इसे यहाँ पे आया है री यूज कॉन्टेंट करके कि मैं दूसरे का कॉन्टेंट यूज़ किया हूँ, इसी वजह से मेरा चैनल ये मोनेटाइज नहीं हो पाया। और इसमें इसके साथ में बहुत सारा और भी चीज़ दिया हुआ है जिससे मैं मतलब अगली बार ये सब गलती ना करूं। जैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलाउड है मोनेटाइज के लिए और क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है। सेम क्या क्या चीज़ों से मोनेटाइज नहीं होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब बातें को फॉलो करना चाहिए हम लोगों को, और दूसरे किसी के बात पे नहीं आना चाहिए कि हम दूसरे का कंटेंट यूज़ करके चैनल को मोनेटाइज कर लेंगे करके। तो फ्रेंड्स, ये एक सच बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने तो 953 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया था और 3000 घंटा पूरा किया था, बाद में 4000 घंटा भी पूरा हो गया था। तो मैंने जैसे ही उसको अप्लाई किया था तो ये प्रॉब्लम आया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये गलती कभी मत करना कि दूसरे का कंटेंट को आप यूज़ करो। आप जैसा मर्जी वैसा वीडियो डालो, व्यूज़ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, और सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, लेकिन जैसे आपका वीडियो लोगों के पास जाता रहेगा वैसे ही आपके पास फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ता रहेगा, और वीडियो का जो वॉच आवर है वो भी पूरा होगा। लेकिन ऐसे दूसरे का वीडियो ये करके कुछ नहीं होता। ये आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे बात को मानिए और फालतू की किसी के बात में ना आइए कि इसका उसका वीडियो डाल दो उससे मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, ये चीज़ नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वॉच आवर पूरा करने के लिए मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखे थे कि कैसे वॉच आवर को पूरा किया जा सकता है। तो ये लोगों ने बताया था कि जैसे आप किसी भी यूट्यूब चैनल को रात भर चला के छोड़ दो जिससे आपको ऐसे होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक लाइव एग्जाम्पल। यहाँ पे मान लीजिए ये जैसे मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल पे यहाँ पे जैसे थोड़ा नीचे करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे प्ले ऑल करके रखा हुआ। तो जैसे मैंने प्ले ऑल किया, यहाँ पे जो वीडियो है सब मेरा वीडियो एक के बाद एक चलता रहेगा। लेकिन ऐसे मान लीजिए मैंने 2-3 और पेजेस खोल दिए, सब में सेम चीज़ अप्लाई किए, तो उसके बाद अगर ऐसे चलता रहा तब तो वॉच आवर इजिली पूरा हो जाएगा। हर रात को मैं पूरी रात भर अगर लैपटॉप या मोबाइल को यूज़ करूँ तब तो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को भी यूट्यूब बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, और इनके पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है या फिर ऐसा सिस्टम है जिससे ये चीज़ को पता कर सकता है इजीली। तो फ्रेंड्स, ये भी एक सोल्यूशन नहीं है आपको वॉच आवर पूरा करने के लिए, और मैंने भी ये करके देख चुका हूँ लोगों का बात सुन के। आपको भी ये चीज़ मानना चाहिए, और आप लोग ऐसे मत यूज़ करना कि ऐसे आपको वॉच आवर पूरा हो जाएगा करके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू अगर अब मेरा वीडियो देखने के लिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप थोड़ा सा भी इसमें सच्चाई अगर देख पाते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लोगों को थोड़ा सा इससे पता चल सके कि रियलिटी क्या है यूट्यूब का। थैंक यू फ्रेंड्स।